पहले इनको सेका जाता है एक दिन पहले, फिर देखने के बाद ठंडा किया जाता है, फिर पानी लगा के फिर बनाते हैं। बिल्कुल 4-5 दफा तो ये गर्म होता है, तब जाके तैयार होता है, फिर जाके भी अब ये तैयार हो गया। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? सुना है ये ताकत के लिए होता है बहुत। ताकत बहुत है, तेल डाल रहा है, ये छन्ना लग रहा है, ये अच्छा वाला चना तैयार हो रहा है, 9 नंबर 10 नंबर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ मोहम्मद आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोड रिपोर्टर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद फिटबॉल शॉपिंग सेंटर की गली में और यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं भुने हुए चने। आसान काम नहीं है ये भुने हुए चने तैयार करना, काफ़ी मेहनत होती है इसके अंदर। किस तरह ये तैयार होते हैं आपको दिखा दें। चने बनाई कर रहा है ये, लग गया। ये पहले पहले इनको सेका जाता है एक दिन पहले, फिर देखने के बाद ठंडा किया जाता है, फिर पानी लगा के फिर बनाते हैं। बिल्कुल एक बार गर्म करके वहाँ एक दफा फिर वहाँ रखते हैं, फिर वहाँ से यहाँ डालते हैं और ये यूज करने तैयार हो जाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है इसमें। इसका नीचे गैस चल रही है, दोनों गैस और बिजली दोनों का कॉन्टेक्ट होता है, फिर जाके ये ताव बनता है सही, तब जाके चने तैयार होते हैं। कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगता है। 3-4 घंटे लगते हैं। अभी ये चना आता कहाँ से है? ये बाहर से आता है, सारा चना बाहर से आता है। ये केनिया तंजानिया से आता है, बर्मा से आता है, पाकिस्तान में अब कुछ नहीं बन रहा। अच्छा, क्या कीमत हो गई इस चने की? अलग अलग रेट होते हैं। इसमें ग्रेडिंग कैसे होती है? वो छानते हैं, छानते हैं तो फिर सबसे अच्छा वाला चना 9 नंबर चना बनता है, 10 नंबर बनता है, तो छानेंगे फिर ये बड़ा चना। अभी इसको छन्ना लगेगा, उसके बाद अभी आप 2 मिनट लगा मैं आपको छन्ना मारेंगे। अब ये छन्ना मारेंगे भाई साहब, अब ये गरम करेगा फिर वहाँ रखेगा, फिर इसको थोड़ा वो करेगा, उसके बाद फिर बनेगा, फिर तैयार होगा, यहाँ तक नहीं फिर छन्ना लगेगा, उसके बाद तैयार हो जाता। अब ये इसने सेव के इसको रखा है, अब दोबारा इसने ये मोटा चलाएगा, थोड़ा इसको ताव देने के लिए। अब ये इसने तेल डाल रहा है, ये छन्ना लग रहा है, ये अच्छा वाला चना तैयार हो रहा है, 9 नंबर 10 नंबर। ये छन्ना लगा रहे हैं भाई साहब, एक बोरी में कितना टाइम लगता है? एक बोरी में भाई आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है एक बोरी में। तो बड़ी मेहनत दरकार होती है इसके लिए, एक दिन पहले सेकना पड़ता है, अच्छा गर्म करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन बनता है, ये तैयार हो रहा है, ये यहाँ आएगा, यहाँ के बाद पे छन्ने पे जाएगा, बड़ी मेहनत दरकार। तो आपसे ये दुकानदार लेते हैं, कौन लोग लेते हैं? आम लोग पब्लिक लेती है, दुकानदार भी लेते हैं। रेती है, रेती रेत है, रेती से पकड़े समुद्र की रेत। हाँ, तो कितना अर्सा हो गया आपकी शॉप को यहाँ पर? बहुत टाइम हो गया, 30-40 साल हो गए। हाँ, ज्यादा हो गया।
तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चना ही बनता है आपके पास या कुछ और भी आप तैयार करते हैं? बीज बनता है, जो बनता है, पापड़ भी बनता है, जो भी बनता है, मकई भी बनती है, हर चीज बनता है। अच्छा अच्छा, चार पांच दफा तो ये गर्म होता है, अब जाके तैयार होता है, फिर जाके भी अब ये तैयार हो गया। अच्छा, इसके फायदे क्या है? सुना है ये ताकत के लिए होता है बहुत। हाँ, इसमें ताकत बहुत है, चने में जो है ना बहुत ताकत है, शुगर मरीज के लिए, शुगर के लिए, हड्डियां मजबूत, ताकत के लिए, हड्डियां भी मजबूत, हड्डियां भी मजबूत करती है, हड्डियां मजबूत होती है, शुगर के लिए भी टॉप करते हैं। चने ही आते, बड़े भी आते, छोटे भी आते, कैसा कैसा आते हैं? हाँ, ये छोटे है, ये छोटे साइज का है।